हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चावला मंत्रा में। तो फ्रेंड्स, जैसे आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि आपके फर्स्ट गार्ड के वैकेंसी निकले हैं 311 पदों पर वन रक्षकों की। तो जानेंगे पूरी न्यूज़ जो आप आज के न्यूज़पेपर में आई है। खुला नौकरियों का पिटारा, वन रक्षकों के 311 पदों पर शहीद भरे जाएंगे 354 पद। देखते हैं फ्रेंड्स क्या है न्यूज़ में। तो सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न विभागों में 354 को पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की है। इसमें सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध के आधार पर वन विभाग में वन रक्षकों के 311 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया। इस वर्ष की 9 मार्च को आयोजित बैठक के दौरान कैबिनेट द्वारा फॉरेस्ट गार्ड के 113 पद पहले से स्वीकृत है। कैबिनेट ने सीधी भर्ती कोटे के तहत एचपी लोक सेवा आयोग के माध्यम को से कृषि में अनुबंध के आधार पर कृषि विकास अधिकारियों के 25 पदों को भरने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने वर्ग 3 के उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध 5% कोटे की छूट के साथ वर्ग 3 और वर्ग 4 के उपलब्ध रिक्त पदों को के विरुद्ध मृत कर्मचारियों के पात्र अनुकंपा के आधार पर रोजगार देने के लिए अपनी अनुमति दी है। यह रोजगार शिमला, किन्नौर, सोलन और कांगड़ा के डीसी कार्यालयों में और बंदोबस्त अधिकारी कांगड़ा डिवीजन का कार्यालय में मिलेगा। कैबिनेट ने इस नई बनाई गई नगर पंचायतों को सुचारू कामकाज के लिए प्रत्येक नवगठित नगर पंचायतों अर्थात शाहपुर, चिरगाम, नेरवा, निरमंड, आनी, कंडाघाट और अंब के लिए विभिन्न श्रेणियों के 5 पदों को सृजन के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने कांगड़ा जिले में कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तियारा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने और विभिन्न श्रेणियों के 13 नए पदों को भरने की मंजूरी दी है। तो है ये थी न्यूज़ जो पूरी आपके साथ शेयर कर दी है। और जब इसके पद भरे जाएंगे, जब इसकी वैकेंसी निकालेंगे, तो जल्दी से आपको वीडियो देखने को मिलेगी। तो फिर वीडियो को शेयर कर दी, चैनल को सब्सक्राइब कर दी। इसी वीडियो के साथ जय हिंद, जय भारत।